कौशाम्बी जिले में धार्मिक कार्यक्रम के आड़ में गांव के गरीब मतदाताओं को बीजेपी की टैग लगी साड़ी और पैंट शर्ट का कपड़ा बांटे जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसके बाद सभा के राष्ट्रीय महासचिव व महागठबंधन उम्मीदवार इंद्रजीत सरोज ने आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन का मामला बताते हुए चुनाव आयोग को शिकायती पत्र भेजकर प्रख्यात कथावाचक संत मुरारी बापू के विरुद्ध कार्यवाही की मांग की है। सपा बसपा उम्मीदवार इंद्रजीत सरोज ने आयोजित रामकथा को भाजपा का प्रायोजित कार्यक्रम बताते हुए जिला प्रशासन पर भी संदेह जताया है। आरोप है कि डीएम मनीष कुमार वर्मा और एसपी प्रदीप गुप्ता प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के दबाव में सत्ता के पक्ष में मतदान कराए जाने की कोशिश कर रहे हैं। जिला प्रशासन को पहले तो अनुमति नहीं देनी चाहिए ऐसे कार्यक्रम की, लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी द्वारा ये प्रायोजित कार्यक्रम है और उन्हीं के द्वारा वो बाबा जी भेजे गए हैं जो मतदाताओं को प्रभावित कर रहे हैं। हमने भी गाँव के लोगों ने बताया है, हमारे भी व्हाट्सएप पर डाला है कि बाकायदे वहाँ पर बीजेपी के टैग लगी जो है साड़ियाँ वहाँ पर बांटी जा रही हैं और पैसा भी बांटा जा रहा है, बीजेपी के पक्ष में मतदान करने के लिए कहा जा रहा है। हमारी जिला प्रशासन और चुनाव आयोग से ये मांग है कि ऐसे कार्यक्रमों पर रोक लगाई जानी चाहिए और ऐसे जो कार्यक्रम हो रहे हैं मतदाताओं को लुभाने के लिए उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इलेक्शन आयोग को आप पत्र लिखेंगे? आज ही हम लोग लिख रहे हैं, हमारे जिला अध्यक्ष जी और सब लोग बैठे हैं और वो साड़ियाँ मंगा ली गई हैं और लोग बयान दे रहे हैं, उसके आधार पर हम लोग चुनाव आयोग को लिख रहे हैं। इस पर कल रोक लगनी चाहिए। क्या अगर इस पर रोक न लगी तो क्या निष्पक्ष मतदान नहीं हो सकता है? नहीं यार, इस पर रोक लगेगी क्योंकि हम अपने प्रदेश कार्यालय को भी सूचित कर रहे हैं और प्रदेश कार्यालय के प्रतिनिधि मंडल भी वहाँ जाकर मिलेगा, उत्तर प्रदेश के जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी उनसे जाकर मिलेगा। ये प्रायोजित कार्यक्रम है, बड़े पैमाने पर साजिश हो रही है। स्थानीय अधिकारी भूमिका क्या लग रही है इसमें? ये स्थानीय अधिकारी देखिए टोटल जो भाजपा के इशारे पर चल रहे हैं, चाहे वो डीएम हो, चाहे एसपी हो, चाहे जो भी अधिकारी हैं, टोटल यहाँ पर दबाव है, डिप्टी सीएम के दबाव पर हैं और भाजपा के पक्ष में वो लोग प्रचार कर रहे हैं। हमारा तो विश्वास खत्म हुआ जा रहा है कि एसपी या डीएम निष्पक्ष मतदान यहाँ पर करा पाएंगे।